गाइस, स्वागत है फिर से आपका शानबुल चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना एसबी। तो भाई आज की वीडियो जैसे आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, तो आज ये फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो है जो कि इको के सीट के ऊपर है। जैसे कि इको की सीट कैसे खोलते हैं और उसमें एक्स्ट्रा भी है। एक्स्ट्रा ये है क्योंकि सीट को जो नॉर्मल खोलते हैं वही ज़्यादातर लोगों को पता है कि सीट कैसे खुलती है, कैसे आगे मतलब। तो आपको मैं पहले नॉर्मल दिखाऊंगा कि सीट नॉर्मल कैसे खुलती है और जो मुझे पता है, जिस तरह नॉलेज मुझे है, और वो बताऊंगा। जो कि मैं जैसे सीट खोलने वाला हूँ ना, वो आपको किसी मैकेनिक ने नहीं बताया होगा, मैं पर्सनली आपको बताता हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो भाई चैनल को ठोक के लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपना प्यार देना, क्योंकि इस टाइम अभी तुम्हारे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार की आपकी ज़रूरत है। तो भाई आज की वीडियो फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। जनरल के जो आम गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि इको भी आम में ही आती है, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आम मतलब मेरा कहने का ये था कि जो सेंट्रो, वेगनार, इन गाड़ियों के जो इंजन होते हैं वो होते हैं आगे बोनेट पे, और जो इको गाड़ी है उसके होते हैं मतलब। तो उसमें डिफरेंस ये आता है कि जो वेगनार सेंट्रो वाली गाड़ियाँ होती है तो उसमें जो मैकेनिक काम करने वाला होता है तो वो उस सीट को खोल मतलब जो बोनेट है उसको तो खोल लेता है। उसमें कोई चार्ज नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता, ठीक है। और लेकिन आती है जब इको की बात, तो इको में बंदा सीट को देखने के बाद है ना घबरा सा जाता है। मतलब उसको ये लगता है कि यार बहुत ज़्यादा इसमें कीचड़ पीचड़ होगी, मतलब ज़्यादा कीचड़ पीचड़। मतलब मेरा कहने का वो नहीं था जो आप सोच रहे हो, मतलब ये होगा कि खुल नहीं पाएगी सीट, स्टेयरिंग भी अड़ती है, ये चीज़ भी अड़ती है। तो आज इसी चीज़ के वीडियो बनाने वाला हूँ, क्यों आपको मैं पूरी तरीके से बताऊँगा कि सीट कैसी तरीके से खुलती है कैसे नहीं। तो भाई चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए, लेट्स गो। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो, ये है सीट, ये सीट है, देखो ये सीट है। इसका इंजन होता है जो कि इसके अंदर होता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको खोल के क्योंकि ये कितना खुलता है। ये देखो, ये इधर खोलने का स्विच है, ये देखो, ये एक खोल दिया। अब आते हैं दूसरी साइड पे, दूसरी साइड पे आपको शायद ही ये भी खुल गया, ठीक है। अब ये खुलने के बाद अपने को करना क्या है, ये चीज़ है ना, इसको एक मिनट, मेरे हाथ में कैमरा है, एक मिनट। तो ये देखो, ये सीट खुल चुकी है इस तरीके से। तो ये सीट ऐसे खुल चुकी है, देखो। तो अब अपने को करना क्या है, इसको उठा देना है, इसको ये उठा दिया। तब जैसे कि आप देख रहे हो ये नॉर्मल सीट है, ये देखो ये नॉर्मल उठी है, जो कि पता है कि ये कैसे सीट खुलती है कैसे नहीं। तो ये देखो ये खुल चुकी है। अब है ना बंदा क्या होता है मैकेनिक है ना, इसको खोलने में देखो ये स्टेयरिंग हट रही है, ज़्यादा गैप नहीं है इसमें ना, पांच उंगलियों का ही गैप है, ठीक है। पांच उंगलियां देखो, पांच उंगलियां मतलब बंदे को ना जो मैकेनिक होता है उसको कितनी दिक्कत होती है इसको करने में। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि इसको पूरी तरीके से कैसे खोलें। तो ये जैसे कि आप ये चीज़ देख रहे हो ना, ये चीज़ इसको ऐसे सीधी स्ट्रेट स्ट्रेट पकड़नी है, और स्ट्रेट पकड़ने के बाद ये देखो, ये देखो पूरी तरीके से खुल चुकी है। अब इसमें देखो आप कितना गैप आ रहा है, ये देखो मेरी उंगली भी नहीं पहुंच पा रही है, ये देखो मेरी उंगली, ये देखो ये पूरी खुली है। अब देखो ये पूरी उंगली खुलने के बाद फिर भी मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, ये देखो कितना गैप आ रहा है।
और देखो अब मैं मेरा सर भी है ना जो मतलब ये देखो मैं पूरा फ़ोन अपना इधर से लेके जा रहा हूँ लेकिन कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। देखो मैं हाथ भी इधर उधर रख रहा हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं आ रहा। तो आज की वीडियो थी इस चीज़ के बारे में जो कि आपको ये नॉलेज सिर्फ तुम्हारा भाई दे सकता है, SB चैनल दे सकता है। तो भाई चैनल को करना सब्सक्राइब और भाई बहुत प्यार देना इस चैनल में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। और आपको एक और चीज़ बता दूं, मैं इस वीडियो में अपनी रेसिपी भी डालता हूं। अगर आपको कोई भी रेसिपी अगर देखनी हो जैसे कि आलू की सब्ज़ी कैसे बनती है, पेठे की सब्ज़ी कैसी बनती है और भी जितनी रेसिपी है जो सब्ज़ी के बारे में, तो मैं उसी चैनल इसी चैनल में लाता हूँ जो कि आप रेसिपी में जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, टिल देन बाय बाय।